क्वेश्चन 8 का करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। पहले रीड करते हैं। एन ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैज अ मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल गाड़ी की जो मास है वो हमें गिवन है 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल्स एंड रोड। तो ये हमें बताएं कि रोड और गाड़ी के बीच में कितनी फोर्स होंगे, ठीक है, या क्या होगा। इफ द व्हीकल्स इज टू बी स्टॉप्ड विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 m/s², यदि जो व्हीकल्स है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ में रुकती है, तो एक व्हीकल्स बनाते हैं, ठीक है, ये व्हीकल्स है और ये आपका रोड है। इसकी मास आपको गिवन है 1500 kg और नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ में रुक रही, -1.7 m/s², ठीक है। इतने इन्फॉर्मेशन से हमें कैलकुलेट करना है फोर्स किसके किसके बीच में, रोड और गाड़ी के बीच में। तो वी हैव गिवन मास इक्वल टू 1500 kg, ग्राम कह रहा हूँ मैं, और एक्सेलरेशन गिवन है -1.7 m/s². तो फोर्स इक्वल टू हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो मास है 1500 kg, ठीक, और एक्सेलरेशन है -1.7 m/s, ठीक है। केजी को हटा दो यार, सो करने की जरूरत नहीं है, -1.7, ठीक, पॉइंट हटा दिया तो 10 ये कैंसल आउट होगा, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले कॉपी करते हैं, -17 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये -2550 N। तो रोड और व्हीकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो -2550 N। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में व्हीकल्स मूव हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 इजी है। लिखा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें m गिवन है और उसकी वेलोसिटी गिवन है v, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। हम जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो m भी होगा। तो अगर इसमें ऑप्शन देखें तो d करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 10 यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 लिखा है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, एक वुडन ब्लॉक है जिसको हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं उसको किसी फ्लोर पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। तो हमें यह बताना कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एग्जर्ट ऑन द कैबिनेट। तो हमें यह बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा उस कैबिनेट पे, ठीक है। तो देखो यार, मोमेंटम गिवन है 200 न्यूटन, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे फोर्स होगा 0, कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को मैं ये एफ बना देता हूँ, ये क्या होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू मोमेंटम माइनस फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 200 मोमेंटम है, माइनस 0 फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कितना होगा, 200। आने कि हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये होगा। ये आपका क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट होगा, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए।